Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqir al-Islam and I am your tutor for this computer awareness series. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Then the first output device जो है वो है monitor. अब आप मुझे बोलो monitor पे soft copy output आएगा या hard copy output आएगा? Yeah, monitor जैसे मैंने पहली example दी monitor पे आपका soft copy ही आता है. मॉनिटर जो है मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. ये पूछते हैं वीडियो की फुल फॉर्म क्या है. वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड इट्स एन आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है. ये एक आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को इन पिक्टोरल और टेक्स्ट फॉर्म. पिक्चर्स के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में आपके सामने जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है वो एक मॉनिटर होता है. ठीक है, इतना समझ आया. देन मॉनिटर जो होता है मॉनिटर यू मस्ट हैव सीन, मैंने आपको उस दिन भी बताया कि जो मॉनिटर होता है मॉनिटर के साइड में जो डिब्बा होता है उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं. ठीक है, तो मॉनिटर को उस सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए जिन पोर्ट्स के थ्रू इनको कनेक्ट कर सकते हैं. पोर्ट क्या होता है, साइड में यूएसबी पोर्ट देखा ना कंप्यूटर के होता है, उनको उसी तरह के डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं. बेसिकली कनेक्शंस जो आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं. सो मॉनिटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है वाया वीजीए पोर्ट्स. वीजीए की फुल फॉर्म अगर मुझे कोई बताएगा, वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? डज एनीवन नो वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे. वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये लिख कर रखना वीडियो ग्राफिक्स एरे. ठीक है, तो ये एक टाइप का पोर्ट भी होता है वीजीए पोर्ट. ठीक है, देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ पोर्ट दैट्स कॉल्ड एज अ डीवीआई पोर्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल विजुअल इंटरफेस. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ पोर्ट दैट्स कॉल्ड एज एन एचडीएमआई पोर्ट. एचडीएमआई, एचडीएमआई की फुल फॉर्म ये भी आपको याद होनी चाहिए. इसके अलावा यूएसबी टाइप सी के पोर्ट के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं. ये अलग अलग टाइप ऑफ पोर्ट्स होते हैं. वेट अ सेकंड, ये मैं दिखाता हूँ. यू कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स. यूजुअली डिस्प्ले पोर्ट्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं. You can see here, ये जो ये वाला पोर्ट है this is USB type C पोर्ट. ये वाला जो है ये DP है, that's display port, जो मैंने आपको बताया. और ये वाला जो है ये HDMI पोर्ट है. तो अगर आपको मॉनिटर को सिस्टम यूनिट कनेक्ट करना है तो इन्हीं में से कोई एक पोर्ट होता है. ठीक है, सो HDMI के फुल फॉर्म इज हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस. ये भी आप याद रखोगे HDMI के फुल फॉर्म ये होते हैं. तो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है. ना पहले जो पोर्ट्स पहले जो मॉनिटर्स होते थे वो CRT होते थे. आज की डेट में द मॉडर्न डे मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेज दैट आर यूज्ड और द मॉनिटर्स दैट आर यूज्ड इन मॉडर्न डे कंप्यूटर्स आर द TFT LCDs. LCD तो सुना होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. उसी का एक टाइप आता है दैट्स कॉल्ड एज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो वो आज की डेट में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा. इसके अलावा वी हैव द ओलेड. ओएलईडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड. इस तरह के मॉनिटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर्स जो ज्यादातर यूज होते हैं. देन मॉनिटर की अगर बात करेंगे तो मॉनिटर कुड बी अ मोनोक्रोम डिस्प्ले. मोनोक्रोम मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं एंड कलर डिस्प्ले जो कि कलर्ड होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं. ठीक है, मोनोक्रोम डिस्प्ले जो होता है ये डिस्प्ले करता है आपका एक ही कलर के अंदर, टेक्स्ट को एक ही कलर के अंदर. मोनोक्रोम डिस्प्ले में भी यू हैव माइट हैव सीन जो पुराने फोन आते थे ना नोकिया के, नोकिया 1100 या नोकिया 1110, इस तरह के जो फोन आते थे वो मोनोक्रोम डिस्प्लेज होते थे, उनमें एक ही कलर होता था. एंड आज की डेट में वी हैव द कलर डिस्प्लेज जिनमें यूजली 256 अलग अलग कलर्स एट अ टाइम डिस्प्ले हो सकते थे सकते हैं. ठीक है, बट इसके अलावा भी कलर्स हैं. लाइक आज की डेट में तो यू हैव गॉट जिनका 8K रेजोल्यूशन होता है या यू नो पिक्चर क्वालिटी तो बहुत बढ़िया होती है, तो उनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. ठीक है, दे कैन डिस्प्ले थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट कलर्स साइमल्टेनियसली. अब यहाँ पे कोई भी मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो होता है उसमें जो इमेज होती है वो दरअसल इन छोटे छोटे डॉट्स से बनी होती है. And these are called as the pixels. These are called as the pixels. अब pixels में आप imagine कर सकते हो कि आप ये मानो कि ये छोटी छोटी lights हैं जो कि on off हो जाती है based on play करना है. कोई अगर कोई भी चीज़ display के ऊपर या monitor के ऊपर display करानी है तो उस हिसाब से ये on and off हो जाएंगी.
और यूजुअली क्या होता है कि तीन तरह की अंदर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पिक्सल, या थ्री टाइप के आप कलर मान सकते हो जिनसे सारे कलर्स बनते हैं, आर जी एंड बी। सुना है कभी आरजीबी? आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कलर्स। तो कोई भी कलर बनाने के लिए यू कैन यूज दीज थ्री। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आर जी और बी को इक्वल अमाउंट में मतलब तीनों की इंटेंसिटी सेम रखूंगा तो व्हाइट कलर की बनती है। ऐसे ही मैं आर जी बी इन एक की इंटेंसिटी फॉर एग्जाम्पल रेड की इंटेंसिटी ज्यादा रखूंगा, बाकी दो की कम रखूंगा, तो रेड शेड एक ऐसा बनेगा। तो कोई भी कलर बनाने के लिए आई कैन यूज दीज थ्री आर जी बी कलर्स और आर जी बी पिक्सल्स टू प्रिंट और टू डिस्प्ले एनी कलर। ठीक है, तो इसको हम पिक्सल कहते हैं। तो पिक्सल इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट आप मान सकते हो डिस्प्ले का जो होता है, या मॉनिटर का जो छोटा यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ पिक्चर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्क्रीन, वो एक पिक्सल होता है। ठीक है, अब पिक्चर की क्लैरिटी जैसे हमने स्कैनर में पढ़ा था, अब ऐसे ही मॉनिटर के ऊपर जो पिक्चर डिस्प्ले होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं, या वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन मीन्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। रेजोल्यूशन सिंपल होता है कि हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल हैं और वर्टिकली कितने पिक्सल हैं। यूजुअली होता है फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि इस मॉनिटर की रेजोल्यूशन 1280x1024 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे इस तरफ हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ से यहाँ तक आपको छोटे छोटे 1280 पिक्सल्स मिलेंगे, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ गिनोगे तो यू विल फाइंड 1024 पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो आपको आज की डेट में, अगर आप में से कोई अपडेटेड होगा, पढ़ते रहते हैं 4K क्या होता है, 8K में भी सुना होगा, ये चीजें में भी अगर आप में से किसी को पता होगा तो वो बेसिकली क्या है। तो अगर आपने कहीं पे देखा होगा आज की डेट में वी हैव जो बड़े टीवी आते हैं आजकल, उनमें हम कहते हैं कि इसमें 4K रेजोल्यूशन है, इसमें 8K रेजोल्यूशन है। तो 4K का मतलब होता है, 4K मीन्स आई थिंक दैट्स 3840, 3840, 3840 into 2160, 2160 मतलब जो 4K होता है, 4K में हॉरिजॉन्टली इतने पिक्सल्स होते हैं और वर्टिकली 2160 पिक्सल्स होते हैं। ये 4K का रेजोल्यूशन होता है। ऐसे ही मे बी आप में से किसी ने 8K भी सुना होगा। 8K में होते हैं 7680, 7680 इंटू 4320 पिक्सल्स, इंटू 4320 पिक्सल्स। तो इतने सारे पिक्सल्स होते हैं अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि अगर अगर 7680 यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से लेके नीचे की तरफ गिनते हुए अगर 4320 है, तो सारे कितने होंगे इस डिस्प्ले के अंदर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड कि इसके अंदर जो पिक्सल्स होंगे वो मिलियंस में आएंगे। ठीक है, यू विल फाइंड कि वो मिलियंस में आएंगे। तो इस 8K को यूजली आजकल अल्ट्रा HD कहा जाता है। सुना है कभी फुल HD, अल्ट्रा HD? तो इस तरह की चीजें आपने मे भी सुनेंगे। यूजली आप देखते हो ना HD कहते हैं कि इसका फुल HD है, फुल HD। कभी अपने मोबाइल फोन खरीदा है, मोबाइल फोन में कहते हैं कि इसका फुल HD, या लैपटॉप जब आप खरीदते हैं तो कहते हैं इसका HD है, या उसका कहते हैं कि इसका फुल HD है। फुल HD मीन्स 1920x1080 पिक्सल्स। तो इसी तरह से 4K इतने होते हैं और 8K इतने। तो ये रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स, रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो द सेकेंड थिंग जिसके बारे में आपको पढ़ना है जब आप पढ़ते हो स्क्रीन के बारे में, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द डॉट पिच। डॉट पिच का मतलब होता है डायगनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल एक पिक्सल है, और अगर ये पिक्सल, दिस इज वन पिक्सल एंड दिस इज अनदर पिक्सल, इस तरह से ये चार पिक्सल्स है, तो डायगनल का मतलब होता है इस तरह से डायगनली इन दो के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट्स योर डॉट पिच। ठीक है, स्मॉलर द डॉट पिच बेटर द रेजोल्यूशन। जितना डॉट पिच कम होगा रेजोल्यूशन उतना बेटर आएगा। ठीक है, इतना याद होगा। देन वी हैव द रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बार नई इमेज आ सकती है। रिफ्रेश रेट आप समझोगे, अगर आपने कभी सुना होगा ना कि जो भी वीडियो होती है ना, बेसिकली वो वीडियो होती है वो मल्टीपल इमेजेस होती हैं। कोई भी वीडियो अगर है वो बेसिकली मल्टीपल इमेजेस होती हैं, जो एक के बाद दूसरी आपके सामने आती जाती हैं।
तो उसी का मतलब होता है, रिफ्रेश रेट का मतलब है कि एक सेकेंड के अंदर हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रॉ ए न्यू इमेज। तो जितनी रिफ्रेश रेट ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी जल्दी नई नई इमेज सामने आपके दिख सकती है। आपने देखा होगा कभी के, अगर आपने कभी कोई वीडियो में भी कैप्चर की होगी जिसकी जो 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे आपने कैप्चर की होगी, या 1 या 60 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स डिस्प्ले होंगे उस वीडियो के अंदर, लेकिन आप उसको चलाते हो अपने कंप्यूटर पे, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है उसमें रिफ्रेश रेट 30 हर्ट्स है। 30 हर्ट्स मतलब एक सेकंड के अंदर 30 इमेज को ड्रॉ कर सकता है। तो वीडियो में 60 इमेजेस होनी चाहिए एक सेकंड के अंदर, लेकिन आपका कंप्यूटर सिर्फ 30 कर सकता है। तो इस वजह से आप देखोगे आपको लैग दिखेगा, आपका वीडियो जो है वो स्मूथली नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट का मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रॉ एन इमेज। तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिस्प्लेज हैं, जिसमें सबसे पहले वी हैव द कैथोड रे ट्यूब। नाउ कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले यूज्ड टू बी लाइक दिस, इस तरह का एक होता था। तो कैथोड रे ट्यूब जो है ये रेक्टेंगुलर शेप होता, आगे से रेक्टेंगुलर होता था यूजली आपका मॉनिटर। और ये कैसे काम करता है, जैसे टीवी होता था ना, तो टीवी और कंप्यूटर डिस्प्ले जो दोनों होते थे सीआरटी बेस्ड, तो वो दोनों जो है वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करते थे। तो यूजली क्या होता था कि यहाँ पे पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी, इलेक्ट्रॉन गन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन फायर करता था, यहाँ पे बीच में वैक्यूम होता था, आगे एक फॉस्फोरस स्क्रीन होती थी, स्क्रीन होती थी जो उसके ऊपर ना एक लेयर होती है फॉस्फोरस की, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पड़ते थे तो वो ग्लो हो जाती थी और आपके सामने इमेज बन जाती थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि देर इज एन इलेक्ट्रॉन बीम जो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर पड़ती थी और उस हिसाब से आपके सामने इमेजेस आ जाती थी, ठीक है। देन वी हैव द एलसीडी। एलसीडी इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी आजकल आप देखते हो लैपटॉप्स में, या छोटे जो थिन जो होते हैं ना जिनमें स्क्रीन थिन होती है, उनमें आपको ज़्यादातर एलसीडी देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं, दो ग्लास की प्लेट्स आप मानो, बीच में एक स्पेशल लिक्विड होता है, एक स्पेशल लिक्विड होता है, और उसके ऊपर या उसके जब आप उसको ऑन कर देते हो तो उसके अंदर वो एक जब करंट फ्लो करती है तो उस हिसाब से बेस्ड ऑन किस तरह की इमेज है उस हिसाब से अलग अलग करंट उसके थ्रू फ्लो करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आपके सामने इमेज आ जाती है। देन वी हैव द एलईडी। एलईडी आपने सुना होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। ये बेसिकली एलईडी एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। एलईडी होती है जैसे आपके रूम में लगी होगी कोई एलईडी, तो वो छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी एलईडीज होती हैं। वो एलईडी क्या होती है, एलईडी एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब उसके थ्रू करंट जाती है तो वो ग्लो करने लगता है, वो लाइट इमिट करने लगता है। तो वैसे ही छोटी छोटी एलईडीज यूजली RGB 3 कलर की होती है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे यूज ऑफ, ऐसे आप इमेजिन करो ये छोटी छोटी एलईडीज है 3 3 कलर्स की, ऐसे ही हजारों एलईडीज लगी होंगी आपके स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन बनेगी आपकी एलईडी स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओ देन वी हैव द ओलेड, दैट्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अलावा मैंने बोला था एमोलेड, जो मैंने इससे पहले भी रिपीट किया था, एमोलेड की फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अलावा हमारे पास वी हैव द 3D मॉनिटर्स। 3D मॉनिटर्स जो है, 3D मॉनिटर्स में हम 3D में देख सकते हैं चीज़ें, 3D में देख सकते हैं चीज़ें, तो बाकी मॉनिटर्स में तो 2D में दिखेगा आपको सब कुछ, वो है ना फ्लैट सर्फेस पे ही दिख रहा है, लेकिन 3D मॉनिटर्स पर आप 3D में देख सकते हो। लाइक यू कैन सी यहाँ पे एक स्पेशल गॉगल लगा के, यू कैन सी यहाँ पे आपको लगेगा एज इफ आप यहीं पे हो। तो दीज आर यूज्ड इन कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज अ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि यू विल सी थिंग्स एंड यू विल फील लाइक कि आपके सामने सब रियल है, क्योंकि रियल में चीजें आपको 3D में दिख रही है ना, तो आपको दिखेंगी चीजें 3D में रियल, लेकिन दैट विल बी वर्चुअल, ये रियल नहीं होगा। यही यहाँ पे ये कार का नहीं होगा ये फ्रेम, लेकिन यू विल फील लाइक क्या आपके सामने। ये वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ये मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में कराऊंगा जब मैं आपको जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो जब हम मॉनिटर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। फर्स्ट इज द वेरिएबल इमेज साइज। वेरिएबल इमेज साइज मतलब आप मानो कि स्क्रीन कितनी बड़ी है, स्क्रीन कितनी बड़ी है, मैं अंदर पिक्सल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतनी बड़ी आपकी इमेज आएगी, उसको कहेंगे वेवेबल इमेज साइज। कभी सुना है आपने मोबाइल फोन जब आप लाते हो, ये आप कहते हो कि इसका डिस्प्ले 6 इंचेस का है, इसका डिस्प्ले 5.6 इंचेस का है, सुना है? तो
उसका क्या मतलब है, दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो डायगनली मेजर किया जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपके फोन का स्क्रीन 6 इंचेस है या 5.6 इंचेस है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेजर करोगे तो वो 5.6 इंचेस आएगा। वो ऐसे वर्टिकली मेजर नहीं किया जाता, वो ऐसे मेजर किया जाता है, ठीक है। ऐसे लैपटॉप्स होते हैं 13 इंचेस के, 14 इंचेस, 15 इंचेस के, वो यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो लैपटॉप है ये 14 इंचेस का है, इसका मतलब है कि इसकी स्क्रीन जो है यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक मेजर करोगे ना तो ये 14 इंचेस का आएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, दिस कॉल्ड एज द व्यूएबल इमेज साइज। देन वी हैव द एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो मतलब लेंथ और विड्थ, मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करूंगा, ये हॉरिजॉन्टल आएगा, और वर्टिकल मतलब यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक अगर मैं इसको ऐसे मेजर करूंगा तो इसका रेशियो कितना है। रेशियो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर से, और यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक वर्टिकली अगर ये फॉर एग्जाम्पल है 15 इंचेस, कितना है 15 इंचेस, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 5 4s are 20 एंड 5 3s are 15, ठीक है। तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 4:3 है। समझ आए आपको? तो एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल लेंथ का क्या रेशियो है स्क्रीन का, दैट इज योर एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। इतना समझ आया? तो ये भी एक पैरामीटर है जिससे आप डिस्प्ले को, डिस्प्ले की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, ठीक है। देन वी हैव द डिस्प्ले रेजोल्यूशन। ये मैंने आपको बताया, डिस्प्ले रेजोल्यूशन का मतलब है कितने पिक्सल्स हैं, कितने पिक्सल्स हैं हॉरिजॉन्टल, कितने पर पिक्सल्स हैं वर्टिकल, उनका मल्टीप्लाई या टोटल पिक्सल्स कितने हैं, दैट इज योर डिस्प्ले रेजोल्यूशन। देन वी हैव द डॉट पिच। देन वी हैव द डॉट पिच। डॉट पिच का मतलब होता है इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पिक्सल्स। डॉट पिच को हम डॉट, इससे पहले आपको पता होना चाहिए पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी मतलब पिक्सल्स कितने डेंस हैं, पिक्सल्स कितने डेंस हैं। ये वही है जो मैं आपको बता रहा था प्रिंटर में, जो हम इसमें स्कैनर जो हमें हमने पढ़ा ना, पिक्सल्स पर इंच पीपीआई, वहाँ डीपीआई पढ़ते थे, ठीक है। तो पिक्सल डेंसिटी का मतलब है कि अगर मैं इतना लूंगा, ये जो एरिया है ना इस स्क्रीन का, दिस इज फॉर एग्जाम्पल 1x1 या 1 स्क्वायर इंच का मैंने यहाँ एरिया लिया, इसमें मैं देखूंगा कि कितने पिक्सल्स हैं, तो वो बनेगी इसकी पिक्सल डेंसिटी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्क्रीन है जिसमें 1 स्क्वायर इंच के अंदर, 1 स्क्वायर इंच के अंदर फॉर एग्जाम्पल देयर आर 1000 पिक्सल्स, कितने हैं 1000 पिक्सल, तो मैं कहूंगा कि इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो है 1000 पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। इतना समझ आया, 1000 पिक्सल्स पर इंच। और डॉट पिच या पिक्सल पिच का मतलब होता है कि दो पिक्सल्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, ये जो दो पिक्सल्स हैं इन दो के बीच में, इनके सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो आपका बनता है डॉट पिच, ठीक है। ये तो उतना मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, बट पूछ सकते हैं, तो यू शुड नो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है डॉट पिच की, पिक्सल डेंसिटी की डेफिनेशन। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कलर डेप्थ। कलर डेप्थ होता है जो मैंने आपको बताया, कलर डेप्थ का मतलब होता है कि कितने बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है कलर को, ठीक है। तो अगर कहीं पे 10 BPC है, इसको बिट्स पर चैनल में भी मेजर करते हैं, या अगर कहीं पे 10 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है एक चैनल को, मतलब एक कलर को, ठीक है। तो दूसरा एक मॉनिटर है जिसमें एक, तो जितना कलर डेप्थ ज्यादा होगा, जितना कलर डेप्थ ज्यादा होगा उतना जो इमेज है उतनी इमेज आपकी, ठीक है, बेटर आएगी, ठीक है, या उतने ज्यादा कलर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको जब स्कैनर पढ़ाया अभी, तो यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने कलर डेप्थ पढ़ाया था, तो ये कलर डेप्थ जो यहाँ है ये सेम है जो वहां पे है, ठीक है।